वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं कुकिंग विद फेरीनाज यूट्यूब चैनल। तो आप सबको कुकिंग विद फेरीनाज की तरफ से रमज़ान मुबारक की ढेर सारी मुबारकबाद। और रमज़ान मुबारक का जो है महीना स्टार्ट हो चुका है और मैं बना रही हूँ अपने किचन में वेजिटेबल क्रीमी बॉक्स पेटीज। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बनते हैं। तो वेजिटेबल क्रीमी बॉक्स पेटीज बनाने के लिए हमें जिन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है, चिकन लिए यहाँ पर मैंने हाफ कप, और चिकन को जो है मैंने बोनलेस चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली है एक कप, और इसे जो है ना बिल्कुल बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे मिली है मैंने शिमला मिर्च, और इसे भी मैंने बारीक बारीक जो है काट लिया है, दो अदद हैं ये। और गाजर लिए यहाँ पर मैंने एक गाजर ली है, और इसे बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। और ब्लैक पेपर लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, व्हाइट पेपर लेंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट लेंगे यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लिया है मैंने मेयोनीज लिया है यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून, और ऑलपर्स की मैंने क्रीम ली है फ्रेश क्रीम, ये इसमें से मैं हाफ पैकेट जो है हाफ बॉक्स इसका इस्तेमाल करूँगी। और ऑयल लेंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून चिकन को फ्राई करने के लिए, और चिली सॉस लिया है रेड चिली सॉस यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून, और सोया सॉस लिया है यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून, विनेगर लिया है यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून, और लहसुन लिए यहाँ पर मैंने चॉप किए हुए बारीक बिल्कुल, यहाँ पे लहसुन लिए मैंने 3 अदद लहसुन के जवे लिए, और इसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया, या आप इसे चॉप भी कर सकते हैं छुरी की मदद से। और यहाँ पर मैंने फ्रेश मांडा पट्टी ली है, ये मेरी रेडीमेड पट्टियाँ हैं जो बाज़ार में मिलती हैं, मैंने वो ली हैं यहाँ पर, ये तकरीबन जो है 24 हैं और 24 या फिर 25-26 इस तरह से हैं, देखते हैं इसमें कितने रेडी होते हैं। तो ये क्रीमी बॉक्स पेटीज इतने मज़े के बनते हैं वेजिटेबल्स के साथ कि इसमें हर चीज़ का जो है ना अलग अलग फ्लेवर आ रहा होता है। आप इसे बना के और इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैं ये काफ़ी सारे बनाऊंगी और इसे स्टोर करके रख दूंगी। तो चलिए जल्दी से अपने झटपट से मज़ेदार से वेजिटेबल क्रीमी बॉक्स पेटीज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक फ्राई पैन लिया है, और इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूंगी और फ्लेम जो है मीडियम टू लो रख देंगे। ऑयल हमने डाला है इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। तो अब चिकन को जो है ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। चिकन को जो है हमने कुक करना है जब तक इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाए। तो इसका जो रंग है चिकन का बिल्कुल चेंज हो चुका है, और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ लहसुन, मिक्स करेंगे इसे अच्छे तरीके से। तो चिकन जो है इसके अंदर मैंने डाल दिया, उसका कलर भी चेंज हो गया है, और इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया था लहसुन, उसका भी रंग जो है बिल्कुल चेंज हो गया, वो भी फ्राई हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सोया सॉस, इसे मिक्स करते जाएंगे, चिली सॉस इसे भी मिक्स करना है, और अब साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे विनेगर, और इसे पकने देंगे, कुक होने देंगे। तो चिकन को जो है हमने अच्छे तरीके से इसमें कुक करना है, और इसका पानी जब तक खुश्क हो जाए, जितना भी इसके सॉसेस डले हुए इसके पूरे ड्राई हो जाएं, जब तक हमें इसे कुक करना है। और अब इसे मैं कवर करके रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। तो चिकन हमारी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है, और इसके जितने भी सॉसेस थे सारे जो है वो भी ड्राई हो चुके हैं, और अब फ्लेम कर देंगे ऑफ, और चिकन को जो है ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ पे जो है ये चिकन रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो गई है, और ये मैंने इसके अंदर निकाल दी है बाउल में, और अब इसके अंदर ऐड करेंगे सारी वेजिटेबल्स, ये कटी हुई बारीक कटी हुई गोभी, और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, गाजर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, और अब ऐड कर देंगे इसके अंदर सॉल्ट, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और अब जाएगा इसके अंदर मेयोनीज, 1/2 पैकेट जो है
इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड होगी। तो सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जा चुके हैं और अब इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स, सारी वेजिटेबल को और चिकन को अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और अब इसे कर देंगे साइड पर। और अब अपनी जो है मांडे की पट्टियों को रेडी कर लेते हैं जल्दी से झटपट। तो ये है वो मांडा की पट्टी जो बिल्कुल रेडीमेड है, बाजार से आसानी से मिल जाती है। और इसे एक लेंगे, इसे यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे ऐसे। और ये यहाँ पे मैंने जो है आटे की लई तैयार करके रखी है, ये जो आटे की हम झंडियों पे लगाते थे ना, ये वो वाले आटे की लई है। वैसे थोड़ा सा आटा लिया, पानी डाल के इसे मिक्स कर लिया। तो अब मैं इसे जो है ब्रश की मदद से हल्का सा यहाँ पे आटा लगाऊंगी सेंटर में ऐसे, आप मैदे की भी बना सकते हैं ये लई, लेकिन मैंने यहाँ पे आटे की ही ली है। और अभी दूसरी जो मांडा पट्टी है ये इसके ऊपर रखेंगे ऐसे जहाँ पे हमने लई लगाई है। और अब इसके ऊपर रखेंगे जो बैटर हमने तैयार करके रखा है वेजिटेबल और क्रीम का, ये एक स्पून लेंगे। और तो ये मैंने इस तरह से इसे सेट कर लिया है। और अब ये यहाँ से उठा के और ये इसके ऊपर रख देंगे ऐसे, हल्का सा प्रेस करेंगे और यहाँ से इसे रख देंगे ऐसे। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे लई, लगा देंगे इसके ऊपर ताकि ये जो है ज्वाइन हो जाए, चिपक जाए इस तरह से। और अब लास्ट में यहाँ पे भी जो है लई लगा देंगे ताकि ये बॉक्स हमारा अच्छे तरीके से पैक हो जाए इस तरह से। तो अब इस ये जो कॉर्नर्स के यहाँ से अगर निकल रहे हैं इस तरह से, तो इसे भी जो है सील पैक कर देंगे इस तरह से लई लगाकर। तो ये हमारा क्रीमी बॉक्स पेटिस वेजिटेबल जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब इसे रखते जाएंगे साइड पर और अब बाकी के भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो वही सेम प्रोसेस है। ये रहे हमारे क्रीमी बॉक्स पेटिस, माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं वेजिटेबल क्रीमी बॉक्स पेटिस। तो अभी से जो है मैं कंटेनर्स में डाल के रख दूंगी। और यहाँ पे लिया है मैंने ये एक एयर टाइट कंटेनर्स, तो इसे जो है मैं सबसे नीचे इस तरह से सेट करती जाऊंगी। तो इसी तरह से यहाँ पे मैं इस तरह से रखती जाऊंगी, बस ये चार आएंगे नीचे। और यहाँ पे मैंने जो है ये जो थैली होती है बिल्कुल, जिसमें हमारे घर में दूध आता है, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी थैली को मैंने एक में से जो है दो कर लिए इसे इस तरह से। और अब ये मैं इसके ऊपर रखती जाऊंगी। ये बिल्कुल ना सेफ रहेंगे और आप इसे आराम से रख सकते हैं 1 वीक के लिए, 1 हफ्ते 10 दिन आपके कहीं नहीं गए, आप इस तरह से बना के रख लें और फिर आराम से अफ्तारी में से इंजॉय करें। इस तरह जो है आपके टाइम की भी बचत होती है। तो इस तरह से ये मैं करती जाऊंगी और ये रखती जाऊंगी पूरे सारे। इसे भी ऊपर से कवर कर देंगे इस तरह से। बस अब ये इसकी मुझे जरूर ये मैं रख दूंगी इसे सील पैक करके, इसका जो ढक्कन है इसे लगा के अच्छे तरीके से बंद करके चारों तरफ से। और अब इसे मैं रख दूंगी ऊपर डिफ्रीजर में स्टोर करके। ये मेरे आराम से जो है 1 वीक के लिए जो है ना बिल्कुल तैयार है, तो मैं इसे रख दूंगी। और बाकी ये जो है ये मेरी आज की अफ्तारी के लिए है, तो इसे मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये वेजिटेबल क्रीमी बॉक्स पेटिस जो है मेरी आज की अफ्तारी के हैं, तो इसे मैं फ्राई कर लूँगी। और ऑयल जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है, तो इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और अब इसके अंदर एक एक जो है अपना वेजिटेबल क्रीमी बॉक्स पेटिस जो है मैं इसमें डाल दूंगी। इसे नीचे से जो है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देना है, कुक होने देना है। और फ्लेम यहाँ पे रखी है मैंने मीडियम टू लो फ्लेम। तो नीचे से जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इसे पलट दूंगी इस तरह से। बहुत मज़े के और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये, फ्लेवरफुल।
और सबसे ज्यादा टेस्टी तो इसमें क्रीम और वेजिटेबल्स का जो टेस्ट आता है ना, वो इतना मजेदार लगता है, क्रीमी क्रीमी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। आप सब इसे एक बार रमजान में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के आगे भी जो है ये चैनल मेरा शेयर कर दीजिए। तो ये दोनों तरफ से जो है अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं और अब इसे निकाल लेंगे। तो ये रेडी हो चुके हैं, अब इसी तरह से मैं ये बाकी के दूसरे भी फ्राई कर लूँगी और इसे साइड पर कर दूँगी। तो तैयार है यहाँ पे हमारे मज़ेदार से वेजिटेबल क्रीमी बॉक्स पेटीज, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी। तो अब इसे जो है मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे हैं ये, गरम तो बहुत है, तो बहुत ज़्यादा गरम भी और क्रीमी भी हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अभी मैं टेस्ट तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरा रोज़ा है और अफ्तारी में मैं इसे टेस्ट करूँगी। आप सब इसे बनाइएगा और ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। तो अगर आप सबको मज़ेदार से वेजिटेबल क्रीमी बॉक्स पेटीज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं इसी तरह से अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।